नमस्कार, मैं लोकेश पंत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ मास्टर जी में। तो दोस्तों, आज एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि बहुत समय से मेरे को बाइक राइड करने को नहीं मिल पा रहा था। और आज जो है, मैं अपनी मस्तानी के साथ में निकलने वाला हूँ एक रोड ट्रिप पे। जा रहा हूँ उत्तराखंड की तरफ के लिए, और काफ़ी मज़ेदार ट्रिप होने वाला है, काफ़ी एडवेंचर्स होने वाला है। रीज़न ये क्योंकि मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर में। कुछ दिनों से बारिश वारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली में अब जैसे बारिश नहीं हो रही है, एक दिन बारिश हो रही है, चार दिन बारिश नहीं हो रही, तो बस ऐसी माहौल लग रखा है। लेकिन पहाड़ों के अंदर में क्या है, बारिश का सीज़न चल रहा है इस समय, तो एक तरीके से मेरी मानसून राइड भी है। राइड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है, अभी थोड़ी देर के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो ये वाला ट्रिप है, इस ट्रिप के अंदर में मेरे साथ में एक गाड़ी और एक मेरी बाइक, ये दो जा रहे हैं। कौन कौन लोग मेरे साथ में जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंदर में, मिलवाऊंगा उन लोगों से भी। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो मेरा टैंक बैग है, ये मेरी सीट है और ये मेरी पिलियन की सीट है। तो इसके अंदर में मेरे पिलियन भी मेरे साथ में होगा, पीछे जो बैठेंगे कौन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं, मिलाऊंगा वीडियो के अंदर में। और अभी का जो सारा कार्यक्रम है अपना जो बसता है, जैकेट वैकेट भी अपनी रेडी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम पे मैंने अपनी बाइक जो है वो एकदम मस्त तरीके से साफ कर दी थी। अब बस चेन ल्यूप करना रहता है, वो निकलने से पहले मैं चेन ल्यूप कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, मिस मत करना। तो जैकेट वैकेट लोअर वोअर पहन लिया है, अपने नी गार्ड्स रहते हैं पहनने, ठीक है। और बाकी सामान जो है, यही थोड़ा सा एक सामान है अपने पास में अभी जो रखना है अपने, उसमें हेलमेट पहनते हैं। बाकी हाँ, गिरीशा क्या बोल गई थी, काफ़ी देर से मेरे को बोलने पे लगे मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। लास्ट वीडियो के बाद ये ऐसी हो गई है कि इसको वीडियो चाहिए अपनी बनानी। हेलो गाइस, अच्छा चैनल का नाम बोल दो, बोलो घुमक्कड़ मास्टर जी। और जब घर के अंदर में बच्चा रहता है ना, तो भाई साफ सफाई तो भूल जाओ कि साफ सफाई रह सकती है। और गीतिशा जैसे बच्चा है, तो भाई यहाँ पे एसी अपनी जगह पे, पंखा अपनी जगह पे, टीवी अपनी जगह पे, वही बहुत बड़ी बात है, वरना तो ऐसे बच्चे छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। मजा आ गया गीतिशा, बोल दो मजा आ गया, मजा आ गया, बोलो पूरा वीडियो देखना एंड तक। अब बोलो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो भी लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो गरीब बच्चे बाय, मामू निकल रहा राइट पे, बाय बाय, चलो मम्मी बाय, चलो ठीक है, ओके बाय, चल बहन बाय, मिलते हैं दो तीन दिन के अंदर अंदर। बाकी एक बार टॉप अप करवा लेंगे, और बाइक अपनी कुछ इस तरीके से, अभी अंधेरा और का काफ़ी दिखाई नहीं देगा, तो चलो करते हैं ट्रिप का श्री गणेश, करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट। चलो जी, लाइट हो गई स्टार्ट। तो ये तो अभी मैंने इसके अंदर में नाइट आई लगाई हुई है, क्वालिटी देख लो कितनी बढ़िया है इसकी, ज़बरदस्त। तो गाइस, शुरुआत हो चुकी है अपने नए ट्रिप की, और बस बढ़िया, मज़ा आने वाला है आपको इस व्लॉग के अंदर में। मैंने बताया जैसे कि मेरा ये जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, फर्स्ट पार्ट तो इसका एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर में मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ किसी स्पेशल बंदे से अपने, और जो कि मतलब मेरी पिछली वीडियोज़ के अंदर में पहले ही आ जाना था, लेकिन ड्यू टू करोना वायरस, थैंक्स टू करोना, जिससे ये जो सौभाग्य है मुझे इतनी जल्दी नहीं पानी दिया, और अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें अपनी रखूं और आपको दिखाऊं वीडियो के अंदर में, है ना। तो बढ़िया है, फिर अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, मुझे मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो मिलेंगे मुझे अक्षरधाम के पास में। तो अभी अपने रास्ते में ही पड़ गया पेट्रोल पम्प, तो भरवा लेते हैं पेट्रोल इसमें। ऐसे तो है इसके अंदर में 70-80 किलोमीटर ही चल रखी है बस बाइक। बाबा ठीक ठीक ठीक। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर के अराउंड आ गया तेल इसमें। तो जी, टैंक हो गया अभी अपना फुल, और मैंने मीटर सेट नहीं किया इसका, मीटर कर देते सेट, 0-0 हो चुका है अब। तो गाइस, अभी हम लोग मिल गए सारे के सारे, एक गाड़ी में वो लोग बैठे हैं, अभी अंधेरे का टाइम है, आराम से कहीं पे हॉट लेते हैं पहला, तो आप लोगों उन लोगों से मिलाता हूँ सबसे, ठीक है। और मेरे पिलियन पीछे बैठ चुकी है अभी,
मिरर में नहीं दिख रही होगी शायद, ठीक है। तो चलो फिर राइड करते हैं स्टार्ट। तो जी अपने का रास्ता लेना है यही वाला, मेरा ठाकुर वाला वही रास्ता सीधा NH9। और कहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे NH9 को वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, आगे चलते रहेंगे अब। तो गाइस टाइम हो गया 1 बज चुके हैं अभी, और अभी हम लोग पहुंच गए गढ़ मुक्तेश्वर का जो टोल है उसके पास में। ये पीछे जस्ट गढ़ मुक्तेश्वर का टोल है, तो बाइक का तो कोई टोल लगता नहीं है यहाँ पे। तो बस जो हमारे कार वाले दोस्त हैं वो लोग अभी टोल दे रहे हैं और निकलेंगे आगे के लिए फिर हम यहाँ से। तो हमारा जो पहला मैंने स्टॉप बताया था, हम लोग रुकेंगे अभी गजरौला में, तो फिर मिलाऊंगा सबसे आप लोगों को वहाँ पे। तो आज पता नहीं यूपी के अंदर में जितने भी ढाबे हैं वो सारे के सारे हो रखे हैं बंद अभी इस समय, हवेली भी बंद है उस साइड पे। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे तड़का पे, आई होप तड़का खुला, और तड़का खुला बहुत अच्छी बात है। हम लोग पहुंच गए अभी तड़का में, और बाकी पीछे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स जितने भी थे सारे के सारे बंद थे। और चलो अब यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे। तो गाइज़ अपनी गाड़ी और बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे अभी, अभी हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है, घर से खावा के निकले थे सारे के सारे, लेकिन थोड़ा बहुत अभी सोचा कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि फिर आगे काफ़ी लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करना है इस टाइम पे। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट का। ओके तो गाइज जो आज का हमारा ट्रिप है, मेरे साथ में काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े लोग में सबसे पहले आप मिलेंगे विवांशु भाई से, ठीक है, जरीन, सलमान भाई, राहुल भाई और रश्मि। अच्छा मैं आप लोगों को, ठीक है तो भाई ये देखो यही वाला जो फन है ना आपको पूरे पूरे ट्रिप के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगी ये, अब ये वाला डन है भाई, ठीक है। तो एक मैं एक वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ अभी इसके अंदर, मैं एक वीडियो क्लिप डालूंगा ये थोड़ा सा आप लोग एंजॉय करो, मैं जरा बात करके आता हूँ। ओके तो मैं अभी डालूंगा एक अपना वीडियो क्लिप, वीडियो क्लिप के अंदर मैं मतलब दिखाता हूँ कि ये वीडियो जो थी मेरे लिए स्पेशल क्यों है। तो अभी एक वीडियो क्लिप डालता हूँ मैं, आप उस वीडियो क्लिप को देखो, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग यहाँ से किधर निकलने वाले हैं। उत्तराखंड जा रहे हैं लेकिन किस जगह पे जा रहे हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फ्री होते हैं यहाँ से। ओके तो गाइस आई होप जो वीडियो आप लोगों ने देखी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस यही था मैंने लास्ट टाइम जो मैं बोल रहा था अपनी वीडियोस के अंदर में कि मैं कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था, कुछ आप लोगों को दिखाने के प्लान कर रहा था, तो यही था कि मैंने रश्मि को प्रपोज़ किया था शादी के लिए, और बस वही एक वीडियो थी दिखानी थी और होनी थी हमारी शादी। तो कोरोना के कारण से जो है वीडियो जो है हमारी वो अपलोड भी नहीं हो पाई, और उसके बाद जो है हमारा शादी जो था हम दोनों का वो पोस्टपोन हो गया आगे के लिए, ठीक है। और ये हैं यहाँ पे विपिन जी, और जब कभी भी आप आते हैं यहाँ पे तड़का पे तो आपको विपिन जी मिलेंगे रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे कौन रहता है यहाँ पे, भैया रहते हैं शायद ना,
हाँ तो वो रहते हैं यहाँ पे। तो आओ बस ये मैकडी से जस्ट पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है, भारत पेट्रोल पंप, तो आपको वहीं से अंदर के लिए यहाँ का रास्ता मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट्स है, बहुत रीजनेबल रेट पे मतलब पूरा जो खाना है वो यहाँ पे अवेलेबल है और टेस्टी फूड है। जब भी टाइम मिलता है आओ खाओ इंजॉय करो और यहाँ से आगे के लिए निकलो। तो ठीक है चलिए फिर हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है विपिन जी, मिलते हैं आप लोगों से। ओके कि अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कौसानी के लिए। रश्मि और मेरी शादी होनी थी अप्रैल के अंदर में, लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जहाँ पे हम लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई थी वो लोगों का भी कॉल आया हम लोगों को कि इस समय जो है परमिशंस नहीं मिल रही हैं शादी की, तो हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया अपना शादी आगे के लिए। अब देखो कब होता है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होना होता है। तो मे भी शायद हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान हो रखा हो अब आगे। चलिए फिर अभी सफ़र को एंजॉय करते हैं। टाइम हो चुका है इस समय 2:49, तो अभी है उजाला होने में काफ़ी टाइम। तब तक मे भी शायद हम लोग प्लेन्स जो है वो कवर अप कर लेंगे और जैसे ही सनराइज़ होने वाला होगा समय मे भी शायद हम लोग हिल स्टेशन पर पहुँचने वाले होंगे, हिल एरिया स्टार्ट हो जाएगा तब। तो ठीक है मिलते हैं फिर आपसे आगे जिस समय अब आएगा हमारा चेक पोस्ट आएगा, जिस समय उस समय चेक पोस्ट के पास में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी की सारी दोबारा से। इस समय जैसे नई नई गाइडलाइंस आए जा रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर मिलते हैं आप सीधा आप लोगों से। तो जी गाइस यहाँ पर हो रही है चेकिंग। ओके गाइस तो ये है पीछे चेक पोस्ट, यहाँ पर हो रही है एंट्री और यहाँ से टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है अगर आपके पास में आरटीपीसीआर रिपोर्ट है या फिर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप लोग यहाँ से एंट्री करवा के, जैसे पीछे की साइड पे एंट्री हो रही है वहाँ पर एंट्री करवा के और आप लोग निकल सकते हैं यहाँ से आगे नैनीताल के लिए, जिम कॉर्बेट, रामनगर, कहीं जो जिस साइड पर आपको निकलना आप निकल सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है पहले मेरे को ये डाउट था कि मे बी शायद टू व्हीलर्स की एंट्री अलाउ नहीं हो रही है, लेकिन ये डाउट भी क्लियर हो गया, टू व्हीलर्स की एंट्रीज हो रही हैं और आप आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। तो चलिए जो भी आगे की अपडेट्स हैं मैं बताता हूँ आपको। बाकी यहाँ पे जो नोट डाउन हो रहा है वो आपका ई पास नंबर नोट डाउन होगा, आपकी कोविड रिपोर्ट देखी जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन होंगी, आपका व्हीकल नंबर। तो चलिए बस फिर निकलते हैं यहाँ से। सामने का मौसम देखो, टाइम हो रहा है इस समय 5:04 और धीरे धीरे करके उजाला होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है भाई आगे चल के मिलेगी अपने को लग रहा है बारिश और काफ़ी ज़्यादा काले बादल है इस टाइम पे। वो बच्चे ने मारा एक सांप, ये है नज़ारे दोस्तों देखो।